वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज छुट्टी का दिन है। आज मंडे है लेकिन छुट्टी है आज इसके पापा की। तो कहीं पे जाएंगे आज हम, तो वही मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह से उठ रहे हैं अभी 7:30 और मैंने मशीन लगा दी है और ऊपर जाऊँगी अभी थोड़ी सी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मैं ऊपर जाती हूँ घूमने के लिए। तो पहले ये कपड़े डाल के आती हूँ, नीचे रख के आती हूँ और उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी। और अभी वंशी का तो स्कूल जा चुकी है और निधि अभी उठी है। हम लोग चाय पी चुके हैं मॉर्निंग के एक बार और निधि को उठा के मैं गई थी क्योंकि मुझे ऊपर जाना है, आज करना है मुझे एक बहुत बड़ा काम जो मैं रोज़ सोचती हूँ मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। और आज इसके पापा की छुट्टी है, छुट्टी कर रखी है नहीं है। तो बस ये मैं कई दिनों से सोच रही थी। पहले तो मैं मट्टी के लेने गई थी इनके डोंगे, लेकिन मुझे नहीं मिले बाजार में, छोटे छोटे थे और मुझे बड़े रखने थे। तो ये घर पे ही रखे थे डोंगे, फिर मैंने ये वाले ढूंढे हैं और साफ़ करे हैं पंछियों के लिए पानी रखने के लिए, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और इन्हें पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, शहरों में दिल्ली में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है जो ये जगह जगह बैठ के पी लें। तो हम जैसे लोग ही इनकी हेल्प करेंगे और इनके लिए पानी रखेंगे। तो प्लीज़ इनके लिए सब अपने लिए अपनी अपनी छत पे पानी रखो ताकि ये आशीर्वाद दें और इनको भी इतना परेशान ना होना पड़े। अभी मार्च का महीना शुरू हुआ है और अभी से ही इतनी गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अभी जून जुलाई वाली गर्मी मार्च में पड़ रही है। तो मैंने इनको यहाँ पे सीमेंट रखा था मेरे पास, मैंने सीमेंट खोल के थोड़ा सा उसमें ये जमा दिए हैं ताकि हवा में ये उड़े ना, क्योंकि हवा भी चलती रहती है। तो मैंने इनके लिए पानी रख दिया है और उसमें पत्थर रखे थे जब हम एक बार घूमने गए थे वैष्णो देवी, वहाँ से लेके आए थे, वो दो तीन पत्थर डाल दिए हैं ताकि पत्थरों से पानी ठंडा रहता है। तो और इनमें वजन भी हो जाएगा, ये उड़ेंगे भी नहीं। वैसे गर्मी शुरू हो गई है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो पक्षियों का ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने छत पे इनके लिए पानी रखें ताकि ये भी पानी पी सकें। और बस यही है, गर्मी का सबसे बड़ा ये उनका काम है। तो मैं यही चाहूँगी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने छतों पे सब लोग इनके लिए पानी रखें। इनके लिए पानी भर दिया और इसमें पत्थर रख दिए। पत्थर डालने से पानी ठंडा रहता है, जैसे हमें कई जगह मैंने गंगा जी हरिद्वार हम हर जगह गए हैं तो पत्थरों की वजह से वो पानी ठंडा होता है। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं और छत पे तो मैं रोज़ घूमने आती हूँ तो पानी इसमें रोज़ भर दिया करेंगे। और ये देखिए मेहमान आने शुरू हो गए हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर हमारी छत पर हर तरीके के पंछी आते हैं, कौवा है, चिड़िया, कबूतर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये छोटे वाली चिड़िया बहुत ही कम देखने के लिए मिलती हैं अभी फ़िलहाल में, बहुत ही कम हो गई हैं ये। पहले तो बहुत ज़्यादा थी हमारे बचपन के टाइम में, लेकिन अभी नहीं मिलती हैं ये देखने के लिए। और ये देख के कितने सारे पंछी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे आते हैं हमारी छत पे। अगर हम गेहूँ वगैरह धो देते हैं तो ये समझ लीजिए आधे खा जाते हैं ये, नहीं तो हमें ऊपर छत पे देखना पड़ता है या ढक के सुखाने पड़ते हैं। तो बस मेरा ये काम भी हो गया, अभी मैं नीचे जा रही हूँ। अभी सारा नीचे का काम करके आज हमें जाना है, बाहर जाना है क्योंकि शादी नज़दीक आ रही है घर में और शादी की तैयारी भी शुरू हो गई है। बस बीच का महीना रह रहा है अप्रैल का और मई में तो शादी है। तो अभी जो शॉपिंग वगैरह चल रही है कपड़े वगैरह की, वही चल रही है अभी। तो जो लेन देन के कपड़े वगैरह हैं वही हम कपड़े लेके आएंगे। और बस मैं नहा चुकी हूँ, काम भी मेरा सारा हो गया है। तो जेठ और जेठानी जा रहे हैं लेन देन के कपड़े लेने के लिए चांदनी चौक, हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं वहीं पे ही कपड़े लेने के लिए, साड़ी वगैरह पसंद करनी होती हैं।
तो बस अभी हम तैयार हो गए हैं, चाय मैंने बना ली है, नाश्ता करके जाऊंगी मैं। तो मैं नाश्ते में पकौड़ी बना रही हूँ आलू की, जल्दी से बन जाएंगी, नहीं तो सब्जी रोटी ये सब चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो बस हम नाश्ता करके चले जाएंगे और मेरी बहन यहीं पे ही है, मैं जाऊंगी, बच्चों के लिए खाना मेरी बहन बना देगी। तो हम अभी निकल चुके हैं क्योंकि फिर काफ़ी धूप है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो टाइम से ही निकल गए थे, 10:30 बजे 10 बजे निकल गए थे यहाँ हम। और ये देखिए बाहर निकल के काफ़ी गर्मी है रोड पर, तो बस हम आधे से भी ज़्यादा रास्ते पर पहुँच चुके हैं। और अभी हम चांदनी चौक के थोड़े पास में हैं, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ना या 1 घंटे से कम का ही रास्ता पड़ता है अगर हम अपनी सवारी से जाते हैं तो। तो बस अभी हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हमें फिर बाद में पार्किंग में यहाँ पे खड़ी करनी पड़ी थी गाड़ी, क्योंकि जो अंदर की साइड जाते हैं चांदनी चौक में वहाँ पे अपनी गाड़ी से अलाउड नहीं है मार्केट में, वो बाहर ही गाड़ी अपनी हमें पार्किंग में खड़ी करनी होती है, उसके बाद फिर हमें अंदर के लिए रिक्शा लेनी होती है। तो बस हमने पार्किंग में कर दी थी खड़ी, और उसके बाद जो अंदर मार्केट है मेन मार्केट कपड़ों की, वहाँ पे अपनी गाड़ी से नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, तो हमने यहाँ के लिए रिक्शा ली थी, अभी हम यहाँ से रिक्शा में जा रहे हैं। और ये देखिए ये सारा चांदनी चौक मार्केट है, और यहाँ पे कपड़े भी सही मिल जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। हम यहाँ पे ये अरुण मॉल है जो हम यहाँ पे ही आए थे यहीं से, ये बहुत काफ़ी बड़ी और मशहूर दुकान है यहाँ की चांदनी चौक की। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड छत पे गए थे, ऊपर था, नीचे तो इनका वैसा है जो एक दो कपड़े लेके जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा शादी ब्याह के लिए थोक रेट वाले कपड़े लेते हैं वो उनके लिए ऊपर को ये ऊपर था इनका शोरूम, वहाँ पे लेके जा रहे थे। और गड्ढे के हिसाब से वहाँ पे होता है, अपना चाहिए जिसको जो पसंद आए वो अपना पसंद कर लो और ले जाओ, जो बजट आपको अच्छा लगे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस से शुरू होते हैं यहाँ पे, और जितना मर्जी चाहिए जैसा आपको पसंद आए वैसा आप ले सकते हैं। तो बस हम वही आज शादी की तैयारी करनी शुरू हो चुकी है, थोड़ा सब सामान छोटी छोटी शॉपिंग सब कर लिए, और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 24 मार्च है आज, तो आज है मेरी बहन का बर्थडे, आज 24 मार्च शाम की है ये वीडियो। तो बस अपनी बहन का कटवा रहे हैं केक, क्योंकि सब मिलके ही करते हैं, बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं माँ बाप के, जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चे भी उतने एक्साइटेड होते हैं माँ बाप के बर्थडे के लिए। तो अभी हम अपनी बहन के लिए केक लेके आए थे, तो उनका केक कटवा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटे वाला भाई आया हुआ है, बड़े वाला भाई अब की बार नहीं आया क्योंकि वो गांव में गया हुआ है, होली पे गया था, अभी तक आया नहीं है, जब यहीं पे रहता है तो आ जाता है, फ़ोन किया था तो पता चला वो गांव में है। तो बस अभी सारे मिलके बहन भाई अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बहन का और अपनी मम्मी का बर्थडे। तो ये आज मेरी बहन को भी प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा कि वो हमेशा खुश रहे। तो अभी बच्चे काफ़ी कुछ खुश हैं अपनी मम्मी का केक कटवा के, और केक कट चुका है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये छोटे वाला भाई है मेरा, यही वाला यही भैया ही सबके लिए केक लेके आता है, जब भी इसको पता चल जैसे जैसे पता चलता है
के जिसका बर्थडे है उसी दिन शाम के टाइम केक लेके आ जाता है, तो मैं इनका केक भी वो यही लेके आया था छोटे वाला। और बस सब खुश हो जाते हैं, यही छोटी छोटी खुशियों से ही हम जैसे लोग जो खुश हो जाते हैं। तो अभी बस केक काट दिया है हमने अपनी बहन का, और प्लीज दुआ कीजिए कि हमेशा ऐसे ही खुश रहें सारे मिलके। और आप बोलोगे कि इनके घर में बर्थडे बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी किसी का कभी किसी का, तो जी हम हैं अपने घर में, हम 10 मेंबर हैं, 2 फैमिली के 10 मेंबर, और साल के 12 महीने होते हैं, तो समझ लीजिए 10 महीने तो बर्थडे आएंगे ही। तो सच में ही हम बस 2 महीने ही ऐसे होते होंगे जो खाली जाते हैं, नहीं तो वैसे पूरे 10 महीने हमारे घर में बर्थडे होता है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।